आपको पता है शरद चंद्र रेड्डी के बारे में, सबसे पहले रेड माइक पर जिस दिन गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, तो सबसे पहले शरद चंद्र रेड्डी के बारे में जो खबर कि गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उन्हें 5 करोड़ रुपए दिए, फिर अप्रूवर बनने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, को सबसे पहले रेड माइक पे हम लोगों ने खबर चलाई थी। बधाई इसके इसको लिए आपको, मैं ये कह रहा हूं आप लोग मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूरा करें तो फिर आप मुझे बताएं कि आपसे बताएंगे। अब ईडी कह रही है आपके केस के बारे में तो आप बात नहीं कर सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ मनीष जी और अरविंद जी के केस के बारे में। ईडी ने अरविंद जी को किंग पिन बोला, केजरीवाल को ये किंग पिन है, विजय नायर उनके मिडिल मैन थे। रेड्डी को क्या बोला? मैं आप फिर आपको पूरा वक्त दे दूंगा। शरद, उसके बाद संजय जी कोर्ट में ये भी बोला कि जब मनु सिंघवी जी ने दलील दी कि अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी, जो सेम लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी को खत्म कर देने के लिए, तो उस पर ईडी ने बोला कि अगर कोई आतंकवादी स्कूल बस को बम से उड़ा दे और उसके बाद वो बोले कि उसकी गिरफ्तारी ना की जाए क्योंकि वो चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा चुनाव है, तो वो कितना जायज है? अब ये तो बेतुकी की बातें हैं। मतलब अगर अब आप आतंकवादी से तुलना हो गई उनकी, आतंकवादियों से तुलना कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, तो ये सारी बातें तो बेतुकी बातें हैं, इसका कोई सिर पैर नहीं है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि इस पूरे मामले में जितने तथ्य अभी तक सामने आए हैं वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जानबूझ के गहरी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, और जल्द ही केजरीवाल जी को भी और मनीष सिसोदिया जी को भी बेल मिलेगी। आप सोचिए, इस कानून में 3 से 7 साल की सजा है और 2 साल से आपकी जांच चल रही है, 2-2 साल से लोग जेल में हैं। भाई आप ट्रायल शुरू करिए ना, जितने सबूत, जितने गवाह, जितने अभियुक्त आपने इस मामले में बना दिए हैं, इसका तो ट्रायल ही खत्म होगा 20 साल में। 50,000 पन्ने की चार्जशीट है, 456 गवाह हैं, उन गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, 32-32 एक्यूज हैं, 33-33 एक्यूज हैं, ये तो खत्म ही होगा 20 साल में। मतलब पहले आप इस केस में आरोपी हैं जो बिना सरकारी गवाह बने बेल पाए हैं, बाकी सवारी सरकारी गवाह बन के उनकी, वो सब तो आप छोड़ दीजिए, उस तो कभी सपना भी नहीं देखना चाहिए सरकारी गवाह हुआ का, वो तो बेकार की बातें हैं। बने ना भाई, राघव मैं कह रहा हूं जो बने बने, हम लोग मतलब आपकी बात नहीं कर रहे ना, पहले हैं जिनको बेल मिली, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं, और भी लोगों को बेल मिली, मैं इसके उस बात पे जा रहा हूँ कि भाई आपने इस कानून में इतनी जटिलताएं पैदा कर दी हैं कि बेल मिलना ही मुश्किल है। 45 सेक्शन 45 2018 के जो अमेंडमेंट्स हैं मोदी सरकार के, उसके कारण इस कानून में आपको जमानत मिलना एक बहुत मुश्किल का काम है, और इसी का फायदा उठा रहे हैं कि भाई इसको पकड़ो, कोई सबूत हो ना हो, आपने इनको जेल में डाल दिया। अब क्या है केजरीवाल जी का मामला, मंगुंटा रेड्डी के यहाँ 16 सितंबर को छापा पड़ता है 2022 में, 10 फरवरी 2023 को उसके बेटे को गिरफ्तार कर लेते हैं राघव रेड्डी को, और बाप बेटे मिलाकर 16 जुलाई 2023 तक 10 स्टेटमेंट देते हैं, 8 स्टेटमेंट को अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया जाता है, यानी उसको छिपा लेते हैं। ईडी वाले कहते हैं साहब इन बयानों पे हमें भरोसा नहीं है, और अंतिम के जो 2 बयान है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, उस पर कहते हैं हमें भरोसा, और 16 जुलाई को वो बयान देता है और 18 जुलाई को उसको बेल मिल जाती है। बताइए, ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं, ना रद्दी के टोकरी का अड्डा है कि भाई आपने कागज इकट्ठा किया और आपने अपने दफ्तर में रख लिया। आपने अगर कोई सबूत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इकट्ठा किया है तो उनको दोषी साबित करने के लिए इकट्ठा किया है, आपकी मंशा तो यही है ना, तो आप सारे कागजात अदालत के सामने रखिए ना, आप जज तो है नहीं, अदालत तय करेगी कि भाई ये दोषी है या नहीं है वो सारे कागजात को देखने के बाद, और आप कागजात छिपाए जा रहे हैं। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने वकीलों को कि उन्होंने जाके अदालत के सामने एप्लीकेशन लगाई कि भाई एक आरोपी के होने के नाते भी हमें ये अधिकार है कि हम ये देख सकें कि हमारे खिलाफ क्या साक्ष्य है, और जब उन्होंने जाके देखा तो जिन डॉक्यूमेंट्स को, जिन 8 बयानों को छिपाया गया था, यानी राघव रेड्डी के 6 बयान
और मंगुंटा रेड्डी के दो बयान, वो 8 बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया शुरुआत के बयानों में। ये बात कोर्ट में बोली। मुझे संजय जी आपसे ये जानना है, देखिए आपके केस के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूं और परिचित हूं कि आपको मना किया गया है, बेल कंडीशन है, मैं और कानून के गलत साइड पर कोई भी नहीं रहना चाहता, पर आप ही के शब्दों में आप अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में बोल रहे हैं, बोल भी रहे। मेरा आपसे ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी जिरह करते हुए खुद, जब वो एज चीफ मिनिस्टर राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो खुद ही अपने लिए आर्ग्यू करने लगे और उसमें उन्होंने बोला कि असली शराब घोटाला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के बाद ये साबित हुआ है कि बीजेपी, ये उनका शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद असली घोटाला। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट है तो अब तक अदालत ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? अब मैं आता हूं इस बात पे। पहली बात तो ये कि जो शरद रेड्डी का मामला है, और बिल्कुल ठीक अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिया कि ईडी के जांच के बाद ही असली शराब घोटाला शुरू होता है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी के घर रेड होती है और 10 नवंबर 2022 को उसकी अरेस्ट होती है और 10 नवंबर से लेके 25 अप्रैल तक लगभग 6 महीने में उसने 12 स्टेटमेंट दिए। 12 स्टेटमेंट, 10 स्टेटमेंट में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं, बल्कि उसने मना किया कि नहीं हमारा कोई लेना देना अरविंद केजरीवाल से नहीं है। लेकिन अंतिम के 2 स्टेटमेंट में उसने केजरीवाल का नाम लिया और 25 अप्रैल को उसको जमानत मिल जाती है कमर दर्द के नाम पे, कमर दर्द के नाम पे। और आप सुनिए बड़ी मजेदार बात कि जब शरद रेड्डी 10 नवंबर को अरेस्ट होता है और 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को देता है और गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक उसके बाद तक 55 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है, संकेत जी क्या आप या आपके दर्शक या इस देश के लोग जो आपको सुनेंगे, क्या वो इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि 55 करोड़ रुपए की राशि एक पार्टी को मिलेगी और उसके शीर्ष नेताओं को पता ही नहीं चलेगा? भाई जो शरद रेड्डी है वो किंग पिन है, ये संजय सिंह ने थोड़ी लिखा, ये ईडी ने लिखा, बीजेपी ने उसको किंग पिन कहा, बीजेपी ने कहा ये घोटाले में पकड़ा गया है, किंग पिन पैसा दे रहा है और किंग पिन पैसा दे रहा है, 55 करोड़ रुपए की राशि दे रहा है, तो क्या भाजपा के शीर्ष नेताओं की जानकारी के बगैर दे रहा है? ये मानेगा देश का कोई आदमी? तो इसलिए शराब घोटाला बीजेपी ने किया है और उसकी मनी ट्रेल बिल्कुल सामने है और कार्रवाई तो उनके खिलाफ होनी चाहिए, सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और एलजी को चिट्ठी लिखना चाहिए। संजय जी ये आपने अभी बोल दिया, इससे पहले अरविंद केजरीवाल बोल गए, आपकी पार्टी की भी ऑफिशियल पोजीशन है और मैं कह रहा हूँ कुछ नेता विपक्ष के भी हैं जो कि आपकी हाँ में हाँ भर रहे हैं, लेकिन अदालत से अभी इस चीज का संज्ञान नहीं लिया गया है। बतौर सांसद और बतौर पार्टी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अब क्या हो? इनके खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच हो, इनके नेताओं से पूछताछ की जाए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, भाई हमारी तो आप कह रहे हैं कि पार्टी इनकी बंद कर दो, पार्टी बेनिफिशियरी आम आदमी, जो पैसा मिला 45 करोड़ वो आम आदमी पार्टी को मिला, कंपनी है आपको पार्टी आप बताइए, आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बना, तो आप भाजपा को पार्टी क्यों नहीं बना रहे हैं जिसमें मनी ट्रेल साफ साफ दिख रहा है? शराब के घोटाले बाद से किंग पिन से आपने 55 करोड़ रुपए लिया, ये साफ साफ दिख रहा है, तो आपकी पार्टी बीजेपी क्यों नहीं बनेगी आरोपी? नहीं तो क्यों नहीं जेपी नड्डा से पूछताछ होगी, अमित शाह से पूछताछ होगी, नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछताछ होगी? भाई तो आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी बने अमित शाह, जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी से, और भी जो उनके कोषाध्यक्ष हो, जो भी शीर्ष नेतृत्व में उनके जो जो लोग हो जिम्मेदार पदाधिकारी, नहीं पीयूष गोयल, जो जो पदाधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जाए कि पैसा कैसे आया ये, और आपको पता था कि नहीं पता था। अब राजनीतिक बात करते हैं आपसे, तो आपने केस की बात बता दी, 2000 तमाम लोग ये पूछ रहे हैं, हम लोगों ने कल भी एक बात इसमें छूट गई, हाँ बोले, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट छिपाए गए, तो कल एक टीवी चैनल पे एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि भाई हो सकता है 12 स्टेटमेंट लिया हो ईडी ने और अंतिम के 2 स्टेटमेंट उनको सही लगे हों और 10 स्टेटमेंट उनको झूठे लगे हों, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? हो सकता है 10 स्टेटमेंट बाप बेटे ने, मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी ने दिया, उनके 8 स्टेटमेंट गलत हों और अंतिम के 2 सही हों, इसमें आपको क्या आपत्ति है? लेकिन आपत्ति है सेक्शन 50 पीएमएलए में, ये भी जानना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए, सेक्शन 50 पीएमएलए ये कहता है कि आप झूठे बयान दे नहीं सकते,
164 के बयान का जितना महत्व है, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान का जितना महत्व है, उतना ही महत्व 650 में पीएमएलए में दिए गए बयान का है। और जब भी आपको बुलाया जाता है ईडी के सामने, तो ईडी का अधिकारी आपको बताता है कि सेक्शन 50 पीएमएलए में अगर झूठा बयान तुमने दिया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो हमने कहा कि भाई सेक्शन 50 पीएमएलए में आप झूठा बयान दे ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन संजय जी, आपको अब देखिए, हम कोर्ट को ये नहीं कह सकते हैं कि आप संज्ञान लीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से या मनीष सिसोदिया की तरफ से या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं, वो तो कोर्ट के सामने ये प्रस्तुत कर ही सकते हैं। सर, ये अभी बात आई है ना सामने। ये तो मार्च में नहीं, 207 की कार्रवाई, 207 की कार्रवाई, यानी कि कोर्ट का आदेश जो हमें मिला कि भाई हमारे वकीलों को कि भाई जाके आप कागजों की जांच कर सकते हैं, ये तो मार्च के महीने में मिला ना, इसी मार्च में। तो अब ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, ये सच्चाई सामने आ रही कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन्होंने छिपाए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे लाए हैं। आप कोई रद्दी की टोकरी इकट्ठा करने के लिए जगह थोड़ी बनी है ईडी। आपने जो भी साक्ष्य, जो भी बयान किसी का इकट्ठा किया, वो अदालत के सामने रख दीजिए, न्यायालय को तय करने दीजिए कौन सा बयान सच है, कौन सा बयान झूठा है। जी, आपने फिल्म देखी राजनीति आई थी, एक फिल्म 2011-12 के दौरान जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, उसमें मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है। मनोज वाजपेयी कहता है कि राजनीति में कुछ मुर्दों को दफनाया नहीं जाता है, उनको रखा जाता है कि समय आने पर दरवाजा खोल दिया जाए और बोला जाए। तो मतलब अब तो वैसे विपक्ष में मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी बात है, लेकिन मेरा ये डायलॉग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये तमाम बातें आप लोगों के पास कोई तुरुप का इक्का है अभी चुनाव में, क्योंकि वो दौर था अन्ना आंदोलन का जो ऐसा लगता था कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों ने बिगुल छेड़ा था, तो ऐसा लोगों को तकलीफ हो रही थी, लग रहा था मतलब सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने लोगों की जेब से जाकर पैसे निकाल लिए हैं और मतलब वो इतना बुरा फील कर रहे थे। लेकिन वो सेंटिमेंट आप कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, उसमें 2G में सब एक्विटल हो गए, सब छूट गए, बरी हो गए, उसमें आप लोगों ने उठाया था आंदोलन, आ चलिए वो राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं कि आप लोग अपने साथ में हैं, लेकिन क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा या भ्रष्टाचार आप लोग कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है, क्या वो लोगों में सेंटिमेंट है कि वो जाकर के उस तरीके से प्रदर्शन करें? राजनीति में कई बार तात्कालिक रूप से कोई मुद्दा बन जाता है, जैसे बोफोर्स का मुद्दा बना और ये 2G का मुद्दा बना, और कई बार मुद्दा बनने में समय लगता है, लेकिन जो खुली तस्वीर देश के सामने दिख रही है कि भाई जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं अजीत पवार को, उसी को वित्त मंत्री बना रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, जिसके ऊपर खुद इनकी पार्टी वाटर घोटाले का आरोप लगा रही है, हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, नारायण राणे पर आरोप लगा रहे हैं, उनको केंद्र का मंत्री बना रहे हैं, छगन भुजबल, हसन मुशरिफ, जनार्दन रेड्डी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, कितने नाम लूं। तो मैंने तो कहा कि मोदी जी का नारा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा।